Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start past collocation best question. देखो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 9 से मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को, या 99 से, या 999 से, या 49 से, या 59 से करना हो तो कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, या एक तरफ नंबर ज़्यादा हो दूसरे तरफ कम हो तो कैसे कर सकते हैं. आज हम आपको फास्ट कैलकुलेशन में ही एक ऐसा चीज सिखाने जा रहा हूँ जिसमें किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 11 से करना हो, या डबल 11 से करना हो, या 1111 से करना हो तो कैसे करेंगे. देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम में, कम्पटिटिव एग्ज़ाम में, और मैथ कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है. अब जैसे मान लीजिए हम करते हैं 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो बहुत आसान है, आपके दिमाग में आया होगा. इसमें एक तरीका है कि 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया, फिर 12 हो गया, 2, 3, 1 हो गया. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि भाई 12 × 11 है तो 12 कर दो, इधर 10+1 कर दो. कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, 120 हो गया प्लस 12 में से एक किया 12 कर दिया तो 132 हो गया. ये भी तरीका है, लेकिन ये सब अब पुराना पड़ रहा है. आप देखो बच्चों, अब जो हम बताने जा रहे हैं, हालांकि ये बहुत पुराना है, वैदिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है. 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. अब देखो इसमें क्या है, दो डिजिट है, तो एक इधर 0 डाल दें, 12 लिख करके एक इधर 0 डाल दें, क्योंकि दो संख्या है तो दो का पेयर बना करके दोनों को ऐड करेंगे, 2+0 2 हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे तो 3 हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 ही हुआ, 132 हुआ. एक और तरीका है मेरे प्यारे बच्चों कि 12 को 11 से करना है तो क्या है कि आप यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 तो लिखोगे ही, इसको इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा. तो ये इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो तीन तरीका हमने बताया सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं है. और नंबर हम देखते हैं, जैसे मान लो तुमको 1, 2, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट है तो 1 0 इधर डाल दो, नंबर डाल दो, फिर 1 0 इधर डाल दो. हमेशा राइट साइड से करना. 3 को 0 से जोड़ा, 3 हो गया, 3 को 2 से जोड़ोगे, 5 हो गया, ये इससे जोड़ दिया, 3 हो गया, इससे ये जोड़ दिया, 1 हो गया, इसका मतलब 1, 3, 5, 3 हो गया. यहाँ कोई भी नंबर रहे 11 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 1, 2, 3. मान लो 1, 2, 3, 4 को 11 से करना है. सबसे पहले 1, 2, 3, 4 लिख दो, 1 0 इधर डाल दो, 1 0 इधर डाल दो. इधर से जोड़ना है, 4 हो गया, इसको इसमें मिलाओगे, 7 हो गया, इसको इसमें मिलाओगे, 5 हो गया, इसको इसमें मिलाएगा, 3 हो गया, इसको इसमें जोड़ दो तो 1 ही होगा. इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 4 हो गया. और बड़ा नंबर हम लेते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 × 11 कर देते. 1 0 इधर डाल दो, 1, 2, 3, 4, 5, 1 0 इधर डाल दो. इसको इसमें मिलाया, 5 हो गया, इसको इसमें मिलाया, 9 हो गया, इसको इसमें मिलाया, 7 हो गया, इसको इसमें मिलाया, 5 हो गया, इसको इसमें मिलाया, 3 हो गया, इसको इसमें मिलाया, 1 हो गया. ये आपका आंसर निकल गया, 1, 3, 5, 7, 9, 5. मज़ा आ रहा होगा, बहुत आसान है.
और बड़ा हम देखते हैं नंबर, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई 11 करते हैं, ये नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, एक जीरो इधर डाल दो, एक जीरो इधर डाल दो, इसको इससे मिलाया 7 हो गया, इसको इससे मिलाया तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। फिर जो है इसको इससे मिलाएगी 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। फिर इसको इससे मिलाओगे 9 1 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करोगे 4 3 7 और 1 8 हो गया। फिर इसको इसमें मिलाओगे 5 हो जाएगा। फिर इसको इसमें मिलाओगे 3 हो जाएगा। फिर इसको इसमें मिलाओगे 1 हो जाएगा, यानी 1358 0237। क्योंकि हमेशा जब हम ऐड करते हैं तो दोनों नंबर एज यूजुअल नहीं लिखते हैं, सिंगल नंबर यूनिट डिजिट लिखते हैं। इकाई का अंक लिखोगे, दहाई का अंक नहीं लिखोगे। दहाई का अंक कैरी फॉरवर्ड बार हो जाता है, यानी उसको हिंदी में हासिल बोलते हैं, हासिल में चला जाता है। तो इस तरह से अब आप रही कि किसी संख्या को अगर हम 1 2 3 है, इसको 111 से करते हैं, इसको कैसे करेंगे? देखो बेटे, यहाँ 3 संख्या है, तब क्या करना है, 2 0 डालना है। 1 2 3 लिख दो, 1 0 इधर, 2 इधर डालेंगे, 2 इधर डालेंगे। जब 3 संख्या है तो 3 का पेयर लगाएंगे। अब 3 का पेयर लगाएंगे यानी तीनों को ऐड करोगे, 3 हो गया। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6 हो गया। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, 2 1 3 0 3 ही हो गया। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 1 ही होगा। इसका मतलब है 13653, यही आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया मेरे बच्चों? देखो कितना मजेदार चीज है। और हम देखते हैं 2 4 कैलकुलेशन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 1 2 5 6 7 × 111। देखो 111 है, इसका मतलब 2 0 इधर डालेंगे, 1 2 5 6 7, हाँ 2 0 इधर डालेंगे। 3 11 है, यानी 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 संख्या का पेयर लिखना है, तीनों को जोड़ देना है। फिर इन तीनों को जोड़ना है तो 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। फिर अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 6 13 5 18 1 19 9 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 2 13 के 3, 6 5 11 2 13 1 14 हो जाएगा। चौदह के 4 हासिल 1 हो जाएगा। देखिए 6 5 11 2 13 1 14 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 1 8 हो गया। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 हो गया, यानी 13 84 937, ये आपका आंसर हो गया। 13 84 1 2 5 6 7, 13 84 937। देखो इन तीनों को ऐड कर दिया, 7 आ गया। फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, 6 7 13 हासिल 1 हो गया। फिर इन तीनों को ऐड किया तो 7 6 13 5 18 1 19 9 हो गया। इन तीनों को ऐड किए थे, फिर इन तीनों को तो 6 5 11 2 13 1 14 के 4 हासिल 1 हो गया। फिर इन तीनों को ऐड किया, 5 2 7 1 8 हो गया। फिर इन तीनों को ऐड किया तो 3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1 2 5 6 7 को 111 से मल्टीप्लाई करते हो। देखो इसका जो तरीका है, एक जैसे 1 2 5 6 7 को हम 111 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 5 6 7
वो हम 100 + 10 + 1 भी करके कर सकते हैं। अगर इसको करोगे तो 12567 + 2 0 हो गया, फिर 12567 + 1 0 हो गया, फिर 12567 हो गया। इस तरह से करोगे तो 7 हो गया, 13 × 3 हासिल 1 हो गया, 8 × 6 = 14, 5 × 19 = 9 हो गया हासिल 1, 6 × 5 = 11, 2 × 13 = 14, 4 हो गया हासिल 1, 5 × 2 = 7, 1 × 8 = 9 हो गया, 9 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 7 × 8 = 9 हो जाएगा यहाँ, ये 9 हो जाएगा आपका, और ये 3 हो गया, 1 हो गया। इस तरह से जोड़ने में वहाँ गलती, 5 × 2 = 7, 1 × 8 = 1 हासिल नहीं जोड़े थे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 2 = 7, 1 × 8 = 1, ये हासिल वाला 9 हो गया। ठीक है, तो ये इसमें बहुत टाइम लगेगा। एक है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन जो करते हैं वो और बड़ा हो जाएगा, 3 लाइन लेना चलना पड़ेगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे मान लो 1567 में हम 41 से यानी 1111 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो चार संख्या है, 3 0 डालना है, इधर 3 जाओगे 1567, फिर इधर भी 3 0 डालोगे। जब 41 है तो हम चार संख्या एक एक साथ लेंगे, तो इन चारों को एक साथ लेंगे तो 7 ही होगा, फिर इन चारों को लेंगे तो 7 × 6 = 13 × 3 हासिल 1 हो जाएगा, फिर इन चारों को लेंगे तो 7 × 6 = 13, 13 × 5 = 18, 1 × 19 = 9 हासिल 1 हो जाएगा, फिर इन चारों को लेंगे 7 × 6 = 13, 5 × 18 = 19, 1 × 20 = 0 हासिल 2 हो जाएगा, 7 × 6 = 13, 5 × 18 = 19, 1 × 20 = 0, फिर अब इन चारों को लेंगे 6 × 5 = 11, 12 × 2 = 14 हासिल 1 हो जाएगा, फिर इन चारों को लेंगे तो 6 × 5 = 11, 12 × 2 = 14 हासिल 1 हो गया है, फिर इन चारों को लेंगे 5 × 1 = 6 या 2, 6 × 1 = 7 हो गया, फिर इन चारों को लेंगे 1 हो जाएगा, यानी 1740937 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लो आपको लेना है 1 2 3 4 5 को 41 से करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होगा, 4 है तो 3 0 डालेंगे, 1 2 3 4 5 इधर भी 3 0 डालेंगे। जब 4 संख्या है तो 4 का पेयर बनाएंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 5, फिर इन चारों को लेंगे 9 हो जाएगा, फिर इन चारों को लेंगे, ध्यान देना है यही 5 × 4 = 9, 3 × 12 = 2 हासिल 1 हो गया, फिर इन चारों को लेंगे 5 × 4 = 9, 3 × 12 = 14, 1 × 15 = 5 हासिल 1 हो गया, फिर इन चारों को लेंगे, एक बढ़ते चले जाएंगे, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 10 = 0 हो गया हासिल 1 हो गया, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 10, 1 हो गया, और 5 × 4 = 9, 3 × 12 = 14, 1 × 15 = 5 हासिल 1 हो गया था, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 10, 1 = 11 हो जाएगा यहाँ, 11 × 1 हासिल 1 हो गया, 5 × 4 = 7, 2 × 9 = 10, 1 × 11 हो गया। अब इन चारों को लेंगे 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 1 हासिल 7 हो गया, इन चारों को लेंगे 3 हो गया, फिर जो है इन चारों को लेंगे तो हमारा 1 हो गया, यानी 13 = 71 ये आपका आंसर हो गया, 13 = 71 = 5295। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप नंबर चाहे कुछ भी हो, चाहे 11 से करना हो या डबल 11 से करना हो, आप पढ़े होंगे बचपन में, देखो ध्यान देना, आप पढ़े होंगे कि 11 को अगर स्क्वायर करते हैं, यानी 11 × 11 तो दो संख्या है, इसीलिए 1 2 फिर उल्टा चलते हैं,
अगर मान लो 11 111 का स्क्वायर निकालते हैं, 3 डिजिट है तो 1 2 3 और 2 1 हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। अगर मान लो इसका निकालते हैं तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 संख्या है, फिर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, 3 2 1 हो जाता है। अगर मान लो इसका स्क्वायर निकालते हैं, ये आता है कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन के लिए बैंकिंग में या रेलवे में या SSC में आता है निकालने के लिए, तो 1 2 3 4 5, फिर 5 आ गया, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तो सेम संख्या, लेकिन अगर डिफरेंट नंबर भी होता है तो वही हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से चलता है। अब जैसे मान लो, तो ये तो 111 या 11 या 111, हम और बड़ा कितना भी बड़ा चाहें उतना कर सकते हैं। अगर मान लो तुमको 12 से करना हो, 13 से करना हो, 14 से करना हो, 15 से करना हो, 16 से, 17 से, तो यही तरीका जो है आपको आगे भी काम आएगा। अब जैसे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो तुमको 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है ना, उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, 2 डिजिट है तो हम 0 इधर डालेंगे, ये 11 लिखेंगे, इधर भी 0 डालेंगे। अब देखो इसमें क्योंकि 2 है हमारा यूनिट, तो 2 से गुना करेंगे इसको, 0 से तो करने पर 0 ही होगा, क्या होगा, 0 होगी, 0 तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 का ही पेयर बनाएंगे। देखो अब 1 को 2 से गुना करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, 0 प्लस 1 इंटू 2, 0 प्लस 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का पेयर बनाओगे, 1 में 2 से गुना करोगे 2 होगा, 2 में इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इसका पेयर बनाएंगे तो 0 है, तो 0 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 132 आ जाएगा। अब देखो हम और बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो तुमको लेना है 432 गुना 12 करना है, ठीक है। अब देखो ये 2 डिजिट है तो 1 0 इधर डालना है, 1 0 इधर डालना है। अब 0 में 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके 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 नीचे इसको 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा। फिर अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, 3 दूनी 6 और ये 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर अब इसका पेयर बनाएंगे, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। अब इसका पेयर बनाएंगे, इसका पेयर जब बनाएंगे तो इधर 0 है, इसका मतलब 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5184 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को 12 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से निकल सकता है। उसी तरह से अगर मान लो जैसे हम 111 का कर रहे थे, उसी तरह से 112 का भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया कि 432 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ 3 डिजिट है तो 2 0 डालेंगे इधर, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0, हालांकि सभी नंबर को 2 से करना होता है और अगले नंबर में ऐड करना होता है। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 3 डिजिट है तो 3 का पेयर हम बनाएंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 0 डालेंगे तो 4 ही होगा। अब इन तीनों का पेयर बनाएंगे, 3 दूनी 6 या 2 8 हो जाएगा। अब इन तीनों का पेयर बनाएंगे,
चार दूनी आठ और तीन ग्यारह दो तेरह, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। फिर हम इन तीनों का पेयर बनाएंगे, चार दूनी आठ, तीन ग्यारह, 11 एक 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर अब इन तीनों का पेयर बनाएंगे, तो इधर तो 0 0 है, इसका मतलब है जो हासिल 1 है और 1 4 जुड़ गया तो 5 हो जाएगा, 52 384 हो गया। इसी तरह से आप 113 से गुना कर सकते हैं या 13 से गुना कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी संख्या को, जैसे 12 को 13 से गुना करना, ये 2 डिजिट है तो 10 इधर डाल दो, 10 इधर डाल दो। अब हमारा यूनिट प्लेस पर 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है 3 दूनी 6, 2 का पेयर बनाना है, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। फिर अब इसको इसे करोगे गुना, 1 3 3 और 3 2 5 हो जाएगा। फिर इसको इससे करोगे, उसके बाद इधर 0 है तो इसीलिए सिर्फ 1 रहेगा, यानी 156 आ जाएगा। अगर तुम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 3 36 और 12 हो गया 6 हो गया, 5 हो गया 1 हो गया, 156 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक लाइन वाला है लेकिन और बड़ा नंबर होगा। अब जैसे मान लो तुमको नंबर लिया कि 1 2 3 को 13 से करना है, तो 2 0 1 इधर डालेंगे, 1 2 3 करेंगे, 1 इधर डालेंगे और 13 से करना है मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3 से करेंगे सभी नंबर को, 3 3 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 प्लस 0, अब 2 3 6, चूँकि ये चलता है इस तरह से ये पैर, अब 2 3 6 और 3 9 हो गया। फिर इसको इसमें 1 3 3 2 5 हो गया, इधर तो 0 है तो 0 में 3 से करेंगे, 0 और 1 जोड़ देंगे तो 1 ही हो गया, 1599 हो गया। अब देखो बच्चों, 123 को हम 13 से करते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, 12 3 36 हो गया। फिर आपका 3 1 3 हो गया, 2 1 2 हो गया, 1 1 1 हो गया, 9 9 5 4। देखो इतना टाइम लगेगा, इसमें तुरंत आराम से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप 13 14 15 या 113 से, 114 से, 115 से, 116 से, 117 से, 118 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का था कि 11 से हम मल्टीप्लाई करें या 12 से करें या 13 से करें, यही तरीका अपनाएं ताकि आपका जो है आसान हो। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और जो पुराने हैं उन साथियों को शेयर करें जो